जिस पर कौम ने यह जवाब दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ला करके दिखलाओ तो फिर लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया और कहा कौल रब सुर नहीं अल कि किए मेरे रब फ़साद फैलाने वाले ये जो कौम है मेरी इस पर मदद फरमा नाजर ने किराम आप सुन रहे हैं सोर्कबूत की तफसिर और इससे पहले के दरस में लूत इस्लाम और लिवात जैसे जुर्म का जिक्र था कि कौम लूत जब बुराई में मुलवस थी लूत इस्लाम ने दावत दिया उसके खतरनाक अंजाम से डराया तो कौम ने जवाब क्या दिया अब अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहा है कि फमा का न जवाब कौमे कौम के लोगों का जवाब जो था पहली चीज कि वो अपनी जो मजलिसें होती थी जहाँ बैठते थे बैठ के होते हैं या मजलिसें होती हैं उन मजलिसों में भी यही सबज करते कौन खूबसूरत है किसको बुलाना है किसके पास जाना है किससे जो है अपनी ख्वाहिश पूरी करना है यानी उनकी मजलिसें भी इसी बुराई में रहती थी और वो इसको अब नहीं जानते थे कितना इखलाकी जवाल और इखलाकी कदरों की कितनी पामाली उस खौम में थी कहा कि तुम रास्ते बंद करते हो तुमने जो ये अमल इख्तियार किया है इससे तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी मर्द मर्दों से ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे तो फिर नस्ल कहाँ होगी औलाद कहाँ होगी इंसानियत खत्म हो जाएगी तुम्हारा पूरा रास्ता कट जाएगा तो कौम के लोगों ने क्या कहा हम तो दुरुस्त हैं सही हैं लूत अगर आप सच्चे हो और ये कह रहे हो कि इस अमल पर अजाब आएगा तो अल्लाह का आजाब ला करके देख लाओ तो ये एक तो उनका तकबर था और लूत इस्लाम को हकालत की निगाह से देखना था लूत ने अल्लाह से दुआ किया कि रब उन्हें कुछ नहीं थी अब मामला अल्लाह के हवाले किया अब अल्लाह जो हुक्म देगा अल्लाह ताला जिस तरह की रहनुमाई करेगा उस तरह के कदम उठाएंगे वरना अम्बिया के साथ तो बड़े बुरे बुरे सलूक होते थे अल्लाह के हुक्म से जितना कहना था इन्होंने कहा फिर अब अल्लाह की तरफ मामले को सपोर्ट किया और फिर अल्लाह से मदद तलब किया फिर अल्लाह ने जो हुक्म दिया कहा तो इन दोनों आयतों में लूत लूतम की दावत उनके खतरनाक कौम का चैलेंज कौम की बेहयाई पर डटे रहना तकबर और फिर अल्लाह की तरफ रुझू अख्तियार करना यही है दावत का उसलूब कि किसी बिगड़े से बिगड़े समाज में जाएं उनसे उलझने की जरूरत नहीं है तो बिल्ला कायम होना चाहिए अल्लाह से मामले को मजबूत करें अल्लाह ताला रास्ता पैदा करने वाला है तो इन आयतों में सबसे पहला जो मसला साबित होता है इन आयतों से पहला मसला कि कौम लूत शर फसाद और फितने से भरी थी वो कौम बुराई करती थी फसादी भी थी फितनेबाज भी थी ये पहला मसला साबित हुआ दूसरा मसला लूत इस्लाम ने उन्हें अल्लाह के आजाब से डराया यही दावत का उसलूब है अजाब से जब डराया तो कौम के लोगों ने उस तहजीर को उस डराने को मजाक समझा तीसरा मसला कि अल्लाह के अजाब को सीरियसली लेने के बजाय संजीदगी से गौर करने के बजाय उसे मजाक समझा और कहा कि अगर सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ला करके दिखाओ चौथा मसला कि दाई जो होता है दावत में अगर किसी के अच्छे अमाल हैं तो बशारत और खुशखबरी भी दी जाती बुरे अमाल हैं तो उससे डराया भी जाता है यही है बशीर और नज़ीर या नबी यो इन्ना और का शाहिदम व मुबशरम व नजीरा अल्लाह के नबी बशारत भी देते थे डराते भी थे और पांचवा मसला जो साबित होता है झूठे आदमी की एक पहचान यह है कि वो अपने जैसा झूठा सबको समझता है या सच्चों को झूठा समझेगा आज समाज का हमारा जो मामला है जो जितना बड़ा झूठा है जितना बड़ा जो घपलेबाज घोटालेबाज चोर डाकू चक्का खाइन है वो उतना ही ज्यादा शोर हंगामा करेगा ताकि ईमानदार लोग सच्चे लोग दब जाए आज क्यों कोई भी मसला होता है तो उठा करके मुसलमानों पर डाल दिया जाता है दुनिया की सारी ताकतें जानती हैं कि मुसलमान इस जवाल के दौर में भी खामियों के बावजूद भी खैर उम्मत है दुनिया की सारी कौमों से अफजल है ईमान और अकीदे की बुनियाद पे। आमाल में कमी जाती होती है इतनी बात सब लोग जानते हैं तो हमेशा बुरा आदमी अपनी बड़ाई बयान करने के लिए अच्छों को बुरा कहता है जैसा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इन्हीं को चैलेंज कर दिया तो फिर लूतम उनसे उलझने के बजाय कहते मदद हिलाकत के दहाने पर आ गए थे अजाब इलाही के मुस्तहिक हो गए थे अब अजाब उनसे बहुत करीब हो गया था उनकी इस रविश और इस तरीके की वजह से तो इन्होंने अल्लाह से मदद तलब किया और कहा की मेरे रब इन फसादी लोगों पे मेरी मदद फरमा फसाद क्या था वही मर्दों से ख्वाहिशे पूरी करते लिवादत करते मर्द मर्दों की शर्मगाह में अपनी जिनसी ख्वाहिहिश पूरी करते तो ये फसाद था और अल्लाह के हमारे इन्होंने अपना मामला किया एक अहम मसला जो इस आयत में बताया गया कौल रबनी अल कौमिल मुफ्दी के दावत देने की राह में दाई का ताल्लुक अल्लाह से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए जब अल्लाह से कट जाएंगे आप तो फिर जब समाज में दिक्कत परेशानी आएगी उलझने आएंगे तो किसी तरफ रुझू करेंगे जितना भी कामयाब कोई हो जाए किसी कामयाबी को अपनी ताकत अपना कमाल या फख्र या गर न समझे शैतान आता है शोहरत अगर पा गया तो शोहरत के रास्ते से गरूर या घमंड आएगा और शोहरत को संभाल ले जाना कोई बहुत आसान चीज नहीं है एक मरतबा बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इज्तम मुनिद हो रहा था पच्चीस से तीस लाख लोग शरीक होंगे वक्त के मुहदस नासरुद्दीन अलबानी रम को भी दावत दी गई कि आप इसमें शिरकत कीजिए और सारी तरतीब की आपको यहाँ से लाएंगे खिताब करेंगे नसीहत करेंगे फिर पहुँचाएंगे। शेख अलबानी मुहदस असर ने माजरत कर दी शागिर्दो ने कहा की आप एक जगह बैठ करके तीन मिलियन तीस लाख लोग आज के पचीस तीस साल पहले चैनलों की बहतात नहीं थी सोशल मीडिया नहीं था व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था ये सहूलत नहीं थी कि आप तीस लाख पचास लाख फॉलोअर बना ले उस जमाने में तीस लाख लोगों का इकट्ठा होना बड़ी बात थी शेख से कहा कि आप इस मौके को गंवा दिए जाना चाहिए तो शेख ने देखिए ईमान तखबा की बुनियाद क्या है और क्या उसकी तासीर है कहा क्या तुम नहीं जानते कि जब मैं तीस लाख के लोगों में बैठ के खिताब करूंगा तो क्या इसका खर्चा नहीं कि शैतान आएगा और कुछ वसवसा डालेगा दिलों में कहीं किब्र या बड़कपन डालेगा यानी ईमान और तकबा और एहतियात इस कदर सलफ के अंदर था क्यों अल्लाह से उनका ताल्लुक मजबूत होता था तो जो मुहदसिन थे वो अम्बिया के रास्ते पर थे इस जमाने में अलाम्मद नासरुद्दीन अलबानी रम्ला ऐसे मुहदस थे जो सलफ साल की सच्ची तस्वीर नमूना थे लोत इस्लाम के जिम्न में वही बात अल्लाह ने बयान की कि जब कौम ने उलझाया, चैलेंज किया अल्लाह से उन्होंने मदद मांगी दुआ की और जहां जरूरत होती है वहां आदमी नसीहत करता है लेकिन अल्लाह से उसका ताल्लुक हमेशा कायम रहना चाहिए इन आयतों में जो सबसे अहम जो बुनियादी चीज बताई गई कि जमीन का जो फसाद है दो तरह का है एक फसाद तो शिरक बिल्ला है एक इखलाकी जो फसाद है वो फितरत से बगावत है फितरत से बगावत यानि मर्द मर्दों से ख़्वाहिशें पूरी करे ये कितना बड़ा इखलाकी फसाद है दू तल सलाम ने अल्लाह से मदद तलब की अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें रसूलों के रास्ते पर रखे मुहदसिन के रास्ते पे रखे और हमें हर किस्म का फसाद चाहे ईमानी और अकदी फसाद हो चाहे अखलाकी फसाद हो हमें उससे महफूज रखे आमीन व जजाकबल्ला खैर नाज़रीन-ए-किराम आपकी नवास का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहें इनशाला इसके बाद फिर क्या हुआ सलाम ने जब अल्लाह से मदद तलब की फिर क्या मामला सामने आया उसकी तफसील के लिए इनशा जल्दी हम आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होंगे जब तक के लिए आप इजाजत दीजिए असलक्रम वरह वक्त समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें